क्या आईपीएल 2024 में बेंगलुरु खोलेगा जीत से खाता? क्या फैब की लीडरशिप में कोहली की टीम करेगी सीएसके का खात्मा? आरसीबी फैंस सच सच बताना धुकड़ धुकड़ हो रही है ना। 66 दिन का आईपीएल शेड्यूल तैयार हो चुका है और 22 मार्च से हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है आईपीएल का 17वां सीजन। लेकिन हम वीडियो में बात करेंगे चेन्नई और बेंगलुरु की, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच होना है ओपनिंग मैच। और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आईपीएल के इतिहास में चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए सब रोमांचक मुकाबले देखने वाले। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर, मैं हूं आपका दोस्त कुमार आनंद। तो आईपीएल का पहला मैच 5 बार की चैंपियन चेन्नई और खिताब की तलाश कर रही बेंगलुरु की टीम के बीच 22 तारीख को चेन्नई में होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 51 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 30 चेन्नई ने 20 बेंगलुरु के खाते में आए हैं और एक मैच रद्द हुआ है। आईपीएल में हमेशा चेन्नई और बेंगलुरु को लेकर फैंस इमोशनल दिखते हैं और यही बात है इन दोनों टीमों के मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना देती है। और इस बार कौन चखने वाला है पहला जीत का स्वाद, इस पर चेन्नई और मुंबई के लिए खेल चुके पूर्व भारतीय खिलाड़ी भज्जीपा ने अपनी राय रखी। क्या है उनकी राय, ये हम आपको बताएंगे। तो 22 तारीख को मैच है चेन्नई और बेंगलुरु का। इस पर हरभजन सिंह ने दावा किया है कि अगर इस साल आरसीबी को खिताब जीतना है तो विराट कोहली का चलना जरूरी है। इसकी परीक्षा आरसीबी के पहले मैच से ही हो जानी चाहिए, जब उनका सामना आईपीएल की सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पर इसके साथ साथ मैक्सवेल पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक मारकर ऑस्ट्रेलिया को खिताब जिताने वाले मैक्सवेल फॉर्म में तो चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी T20 सीरीज का 6वां शतक भी जमाया। परंतु भज्जीपा का कहना है चेन्नई के खिलाफ चेन्नई में वो भी सर जडेजा के सामने मैक्सवेल की लाइफ हेल हो सकती है, क्योंकि चेन्नई की धीमी पिच सर जडेजा को टक्कर दे पाना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो क्या होगा पहले मैच का हाल, ये अपने को जल्दी ही पता चले। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं चेन्नई और बेंगलुरु के बीच अब तक खेले गए 3 रोमांचक मुकाबले, जिसे देख आप भी बोलोगे मजा आ गया कुमार भाई। सबसे पहले आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग 2011 फाइनल। सीएसके ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग की थी, 205 बनाए थे। 206 का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम को बड़ा झटका पहले ही लग गया था, जब क्रिस गेल बिना रन बना ही वापस लौट चले। आरसीबी के क्रिस गेल के आउट होते ही आरसीबी का खेल खत्म हो गया और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी, जिसके कारण सीएसके को 58 रन से जीत मिली। इस मैच को आज भी धोनी की कप्तानी के लिए याद किया जाता है, क्योंकि जिस पर धोनी ने हिम्मत और प्लानिंग के साथ केएल के सामने अश्विन को गेंदबाजी कराई, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था और वही मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना। आईपीएल 2012 के मुकाबले की बात करते हैं जो सभी का फेवरेट है। जी हाँ, इस बार जीत के पास पहुंचकर भी आरसीबी हाथ मलती रह गई, तो अगले साल चेन्नई के आगे वो 205 रन डिफेंड भी नहीं कर पाई। इस आरसीबी के हार के बाद उनके फैंस बस यही कहते रह गए, काहे नहीं खत्म होता भैया। 206 टारगेट का पीछा कर रही सीएसके की टीम ने मैच को आखिरी 2 ओवर तक पहुंचा दिया, जब उन्हें जीत के लिए 43 रन की दरकार। उस टाइम लग रहा था कि आरसीबी चेन्नई को हरा देगी, मगर यहां आरसीबी के कप्तान विटोरी ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए पार्ट टाइम गेंदबाज विराट कोहली से गेंदबाजी कराई और कोहली ने उस ओवर में मार्कल के हाथों 3 चौके और 2 छक्के खाए और 28 रन खर्च। आखिरी ओवर में सीएसके को जीत के लिए 6 गेंदों पर केवल 15 रनों की दरकार। भले ही 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कल आउट हो गए, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। ब्रावो और जडेजा ने मिलकर सीएस को 4 विकेट से जिताया और आरसीबी इस मैच में 205 का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाई, जिससे उसके फैंस का दिल टूट गया। अब बढ़ते हैं अगले मुकाबले की ओर। 2013 में खेले गए एक मुकाबले में चेन्नई ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग की और 6 विकेट पर 165 रन बनाए। पीछा करते हुए सीएसके की टीम ने जीत तो हासिल की, मगर काफी मुश्किलों के बाद। एक समय था चेन्नई की टीम का स्कोर 18 ओवर में 5 विकेट पर 137 रन था। इस स्कोर पर धोनी आउट हुए थे, लग रहा था कि आरसीबी मैच जीत जाएगी। सीएसके की टीम को आखिरी ओवर 6 गेंदों पर 16 रन की आवश्यकता, जहां पर फिर जडेजा ने तलवार की तरह अपना बल्ला चलाया और पहली 2 गेंदों पर 1 छक्का 1 चौका लगाया। मैच की आखिरी गेंद पर चेन्नई के 2 रनों की आवश्यकता थी। आरपी सिंह ने गेंद ली, जिसे सर जडेजा ने थर्ड मैन की तरफ खेला, जिसे सीधे थर्ड मैन के खिलाड़ी ने लपक लिया और आरसीबी सपोर्टर खुशी के मारे उछलने लगे। उन्हें लगा कि यह मैच उन्होंने 1 रन से जीत लिया है, मगर आरपी सिंह की वह गेंद नो बॉल और इस बीच जडेजा ने 1 रन दौड़ कर लिया और नो बॉल का 1 रन जोड़कर चेन्नई ने यह मैच 1 बॉल रहते ही जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई की टीम में वो बात है जो सामने वाली टीम को प्रेशर में डालकर गलती करने पर मजबूर कर देता है। तो क्या इस बार भी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच मुकाबले में चेन्नई का बोलबाला होगा या आरसीबी या विराट अपने बल्ले के मैजिक से इस बार फैंस का सपना जरूर पूरा करेंगे? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।